माता के गर्भ से एक शिशु का जन्म होता है। शिशु का जन्म की उत्सव सुनकर के, खबर सुनकर के ये अर्जुन जाकर के राजा के पास में समाचार संदेशा पहुंचाने के दास और दासियां भाग रहे थे कि हमारे को अनमोल वस्तु देगा, क्योंकि अब तक राजा के पुत्रहीन था और अब रणवास में पुत्र जन्म लिया है तो बड़े सौभाग्य की बात है। हमारा दिन दुगना रात चौगुना दांत भाग जाएगा, राजा पतों ने क्या इनाम देगा। दास और दासियां आगे पीछे भाग रहे थे और जाकर के राजा के सामने खड़े होते हैं और कहने लग जाते हैं कि महाराज आज तुम्हारे दरबार में वो खुशी छाई है जो अब तक छाबा के भी कौन सी छाबा की आशा भी नहीं थी। कहिए आपके मुंह से क्या बात है। महाराज तेरी रानी के गर्भ से एक अति सुंदर शिशु का जन्म हुआ है। उसी समय राजा गले से काट काट करके मोती की माला दे रहा था और भूखे कंगनों को दान बांट रहा था। हे अर्जुन उस समय सबके सब बाजा बजा रहे थे, खुशी के गीत गा रहे थे। अब तब उसी समय बामनों को बुला करके राजा भूल लग जाता है कि बताइए मेरा पुत्र का नाम इस संसार में क्या होगा और ये पुत्र किस समय किस घड़ी में जन्म लिया है। तो बामन वेद को खोल करके वापस बंद कर लेते हैं। जब राजा कहता है कि बताइए आप इस वेद को खोल करके वापस बंद कैसे कर लिया, अरे तुम्हें छेड़छाड़ी बन गए बड़ा माई का। सुबह महाराज अगर तू इस बात को सुनेगा तो हमारे कच्चा बच्चा को कोल्हू में पिलवा देगा और झूठ बोलेंगे तो हमारे को परमात्मा दंड दे देगा। तुम्हारे को नहीं तो मैं कुछ सजा दूंगा, नहीं तुम्हारे कच्चा बच्चा को कोल्हू में पिलवाऊंगा, आप तो सच बताइए बात क्या है। अब तब बामन खोल करके एक राजा से कहते हैं तो क्या कह रहे थे, क्या बैठा बैठा राजा सुन रहा था।
शंकर भगवान की।